एक नींबू एक मिर्ची आ, चला जा यहाँ से थोड़ा नमक काली मिर्च, और थोड़ा चिली सॉस बढ़िया बना देता है नूडल्स गुरु अंधविश्वास देखो मैं इन सब बातों में नहीं मानता तो एक दिन ऐसे घर पे कांच फूटा मेरे मुंह पे तो मैं भग के गया डॉक्टर के पास उधर वो बोल रहा है देखो आयु कांच को फूटना अपशगुन होता है इससे सात साल तक का बैड लक मिलता है और यार मेरे सेटिस्कोप में अनुज जन बजाना बंद कर यार गवार। अब तो सिद्धू मुंह से आड़ा बजा रहा है। ओ नहीं नहीं ये तो पाजी के दिल की आवाज है। ओ मच्छर मछुआरा पाजी नहीं। रुक साड़ा तेरे छठंगा नहीं। वो तेरू मैं बता दिया मर गया मच्छर पाजी बैठ जाओ फिर जाके देखो आयु ये अब शगुन बहुत बेकार चीज है तुम्हें मैं बाबा विषि विशु जी का नंबर देता हूं आ, मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता डॉक्टर अरे बहुत बड़े इंसान है यार वो तुम जो भी सोचोगे उन्हें पहले ही पता चल जाएगा नहीं वो मत सोचना वो मत सोचना नहीं ये ये भी नहीं ये भी नहीं ये, भी नहीं। ये, ये तो मेरे भी दिमाग में आया था देखो आयु तुम छी वो एक संत आदमी आयु ये क्या सोच रहे हो उनके साथ अब तुम मेरे साथ सोच रहे हो अरे सॉरी यार कांट उठाए सर पे ऐसी सब चीजें चल रही दिमाग में चला जाऊंगा बाबा बीसी भी के पास तुम इलाज करो यार अच्छा है आयु लेकिन अब भैरा होने के कारण मैं तुम्हारी हार्ट बीट्स नहीं सुन पाऊंगा इसलिए मैंने रेमो को रखा है जो सबकी हार्ट बीट्स मुझे साइन लैंग्वेज में बताएगा अभी काफी नया है लड़का लेकिन जल्दी सीख जाएगा क्या दिक्कत है इन्हें रेमो सर इनको ना नह इसका मतलब इन्हें कैंसर फर्स्ट स्टेज है नहीं है अच्छा फोर्थ स्टेज है अरे तो बेवकूफ फोर्थ स्टेज के लिए शिकायत है ना तुम्हें ये देखो अब वो लंच ब्रेक के बाद ही वापस आएंगे तब तक मैं भी थ्री बना के आ जाता हूँ चलो स्लो मोशन राघो और गणेश आचार्य इतने अजीब अपशगुन आ रखे रखे मार्केट में तीन दिगाड़ा काम बिगाड़ा मतलब कोई भी चीज तीन बार नहीं करनी चाहिए तो मैंने चार बार पिला दी दादाजी को दवाई ऑफ कोर्स मर गए वो लेकिन शुभ तरीके से ऐसे रात में ओम बन के पड़े हुए थे बाथरूम में मुझे एक चीज जानना है ये कांच फूट जाना के चलाना ये सारे अपशकुन पता कैसे चल रहे हैं क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी ये चीजें कौन करता है सोचो ऐसे दो दोस्त खड़े हुए हैं कल तो ऑफिस की छुट्टी है ब्रो क्या प्लान यार आज तो बड़ी जोर से चप्पल उल्टी करने का मन कर रहा है यार मन कर रहा है रात भर कम्बल में सीटियां मारू और पैरों के नाखून काटू फिर एक सुंदर सी नेल पॉलिश लगाऊ ब्रो मस्त आखिरी वाला तो अपशगुन भी नहीं था मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ बंदी अपने बंदों पर काला जादू कर रही है फिर कहीं बंदे अपनी बंदियों को फ्रिज में डाल के अलग कर रहे हैं फुल मैजिक शो बना के रखा है अरे ये मैजिक ट्रिक तो मैंने बहुत देखी है अभी तूने तेरी बंदी को फ्रिज में डाल के अलग कर दिया है अब तू इसे वापस जोड़ देगा है ना तो जोड़ उसको क्या मतलब क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल रहा है मुझे ये, जानने ये इंडिया में कौन सा हागवाड़ का टीचर है जो सबको काला जादू सिखा रहा है मंजूले का जी स्वागत है आपका टी आर एस पे आ, शुक्रिया बच्चे बुलाने के लिए अपनी उम्र बता रहे <laughs> वो तो मैं लड़कियों के हिसाब से ही बताता हूँ कभी बीस कभी सोलह कभी चौदह और कभी कभी तो <laughs> <laughs> वैसे का जी आप ये काला जादू कब से सिखा रही है बहुत समय से चीज चीज नो नो तो का जी सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए ये काला जादू होता क्या वाँ, 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 वाँ। तो ये होता है काला जादू लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा इससे अच्छा काला जादू मैं कर सकता हूँ ये देखिए <laughs> कितना सिंपल है <laughs> अरे ये क्या हो रहा है मेरा पैंट क्यों खोल रहा है अरे अरे अरे, अरे। <laughs> काफी अच्छा लगा मंजूलिका जी आपसे मिल रणवीर साहब भाई सुन Oh, क्या हुआ शूट चल रहा है बोला ना वो चुड़ैल है पे काला जादू कर रही है वे वे। मैंने फाइनली मार दिया उस जादूगरिक को अरे नहीं ये तो काला जादू था मेरे शायद रणवीर को मार दिया रणवीर भी जिंदा है तो फिर मरा ये है क्या आजकल के लोग काफी अजीब है आते और मर जाते हैं हैं और मर मुझे याद है बचपन में, में मेरा एक दोस्त था नीबू जिसे जुबान पर तेल था और ऐसा कहते हैं जिसकी भी जुबान पर तेल होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है लेकिन नीबू गूंगा था वो किसी को गाली भी देता था तो अब बहुत बढ़िया बेटे अच्छा ड्राई था बहन तक तो तुम पहुंच गए थे लेकिन वो जो लो था वो तुम्हारे मुँह में फंसा रह गया एक सेकेंड क्या नीबू ऐसा बोलता था कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि साला सच क्या करना है अबे साला बोल रहा है। क्या सच करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा सुनो इनमें से एक उंगली पकड़ो रुको जरा मैं उन बच्चों को अलग कर रहा हूं जो अर्थ पर जाकर क्रिमिनल बनने वाले हैं अरे ये देखो क्रिमिनल मेरे बच्चा क्रिमिनल बनेगा नीचे जो क्रिमिनल हाँ। बनेगा बोल बोल क्रिमिनल ऐसे करते हैं क्राइम का सफाया अरे प्लीज तुम उंगली चूज करो ना यार मैंने कहा भी अरे नहीं उसे पकड़ो ए, ए, पैराशूट मत देना ला, 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 ला। अच्छा है वो दरिंदा बिना पैराशूट के ही कूद गया आई एम सॉरी आपके बच्चे का गला घोटा हुआ आया है वो भी पैराशूट के धागे से एक सेकंड लगता है अंदर और भी कोई बैठा हुआ है देखो अंदर जो भी है बाहर निकलो देखो मैं बस तीन तक गिनूंगा। ए! हमने एक दरिंदे को खुला छोड़ दिया अरे तो उंगली चूस करो ना मैंने कब से आंखें बंद कर रखी है तुम्हें अगर तुम मानो तो ये नींबू मिर्ची एक शैतान है और अगर नहीं तो तुम इसे नींबू मिर्ची का चकना बनाओगे और पार्टी करके शैतान को हक भी दोगे कैसे राक्षस लोग है आज मम्मी फिर से डांटेगी। आ गए साहब जाते आज किसी को मार के पाप कमाए या फिर से खाली हाथ आ जाए एक्सक्यूज मी ऑर्डर आया है आपका क्या आप ही कुए की शुद्ध छुड़े छुड़े शुद्ध की मात्र बेटा आपका ऑर्डर आया है ये आपका एक रोस्टेड नवाब तंदूरी बच्चा अरे बटरी बच्चा बोला था अब उसमें मैं क्या करूँ मैडम और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम हाँ ठीक है उस बाल्टी से नीचे भेज दो बेटा हम कब से इस कुएं में रह रहे हैं शर्मा जी की बेटी अन्ना बल्ले को देखा है चार मासूमों को मारा है डायन ने तीन हॉलीवुड पिक्चर कर चुकी है और अब इंडस्ट्री के सबसे सेक्सी सुपर तात्या तातिया बिच्चू को डेट कर रही है कैसे हो तात्या मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई थी ड्रेस खोलो है ना भाई क्या ताजा यहाँ कोई देख ले बोला ना ड्रेस खोलो तो खोलो सलमान रोमांटिक सीन के बीच में उन भूतिया डॉलो ऐसी खेलना प्लीज बन करो और माँ आप यहाँ टेबल बनी हुई हो हमारी इंडियन मूवीज में भी भूतों को इतना अजीब दिखाते हैं मैं अमिताभ बच्चन की भूतनाथ देख रहा था उसमें तीन गाने हैं ये एक हॉरर मूवी है पूरी मूवी में मुझे सबसे ज्यादा हॉरर पता है क्या लग रहा था कि चौथा गाना बच्चे और भूत के बीच में रोमांटिक ना आ जाए वरना बर्फ में अमिताभ बच्चन से फोन साड़ी पहन के नाच रहा है पीछे बच्चा भाग के आ रहा है और गाना बज रहा है बंकू भैया बाहर की मूवीज में तुमने भूतों को देखा है क्या क्या करता है और फिर इधर हमारे भूत है जिन

अरे नहीं मैं लेट होने पे इतना खुश क्यों हो रहा हूँ अबे सुन जरा इधर आना पीछे बारह घड़ियों में मैंने तुझे सेम टाइम दिखाया तूने नहीं माना लेकिन तूने ये एक घड़ी देख के मान लिया तो ये भी तो गलत हो सकती है अबे पागल पागल है क्या उन बारह घड़ियों में तो सही ही नहीं था मैं पागल दिखता हूँ इधर हेलो रुको अभी वीडियो छोड़ के मत भागना लास्ट में ब्लूपर्स भी है आई नो काफी समय हो गया वीडियो डाले बट मैं बहुत जोर से आशा करूंगा तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आए मैं चाहता हूँ तुम ये वीडियो हर उस बंदे तक पहुंचाओ जो अंधविश्वास पर भरोसा करता है डाल दो अपने रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो देख के अगर थोड़ी सी भी हंसी आती है तो प्लीज लाइक अब ब्लूपर्स इंडिया में पता ही सबसे बड़ा ऑप्शन किसे माना जाता है काली बिल्ली का रास्ता काटना ये सेम चीज बिल्लों में भी ऐसी होती है क्या ऐसे दो बिल्ले घूमने जा रहे हैं और एकदम से एक काला नंगा आदमी उनका रास्ता काट के भाग जाता है अबे हट यार मोटे ने रास्ता काट दिया क्या हुआ तुम्हें नहीं पसंद क्या मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं काले नंगे आदमी अब नहीं, मुझे भी पसंद है मैं तो बचपन में सोता भी काले नंगे आदमियों और मेरी दादी माँ तो चार काले नंगे आदमियों साथ रहती थी अरे वो देखो रहा है उधर से कुछ खिला कर रही हो स्वीट क्या क्या उससे तुम्हारे बैग में दिखाना ¡ buena!